जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपनी न्यू वीडियो के अंदर। आज हम बेसिकली इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ कुछ सवालों के जवाब दे के जो है वो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको किसी ना किसी के किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई आंसर करना है, और वो आंसर आपका अगर वो अगला बंदा क्लिक करता है तो उसके ऊपर आपको ठीक ठाक जो है डॉलर्स के अंदर अर्निंग होगी। और वो कैसे होगी, आज हम आज की वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल से। आपने आज की वीडियो को बड़ा डिटेल से, बड़ा गौर से सुनना है, और जितनी भी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आपने उन्हें क्लियरली समझना है ताकि आपको उनकी समझ आए और आप जो है उसके ऊपर जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, जितने भी स्टेप्स बताऊंगा, आप उनको जैसे ही फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और आप अर्निंग कर पाओगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आज हम बेसिकली जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है कोरा। कोरा बेसिकली क्या है कि कोरा के नेम से जाहिर है ये बेसिकली दुनिया का ओवरऑल जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड जो है प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो बेसिकली अपने डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग उन्हें जो है वो आंसर्स करते हैं। वहाँ पे आपका क्वेश्चन चाहे जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ है दुनिया की, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड है, चाहे वो कुछ भी है, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे करते हो तो आपको लोग आंसर्स करते हैं, और आप खुद भी अगर किसी के क्वेश्चन का आंसर करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो बेसिकली यहाँ पे आप इस पे यहाँ पे आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैंने अपना अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है। इस पे अकाउंट वैसे नॉर्मली वैसे ही क्रिएट होता है जिस तरह नॉर्मली हर वेबसाइट पे होता है, जिस तरह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऊपर करते हो। और जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप अपनी सिलेक्टेड कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, जिस तरह आप ये देख रहे हो कि साइड में मेरे लोगो डिजाइनिंग, टी शर्ट्स, आइकन आइकन आइकन, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडोब फोटोशॉप। तो कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर लेते हो कि किन कैटेगरीज को आप लाइक करते हो, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और उनके आंसर्स दिखाता है। तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद प्रोसेस क्या, आप इसे ज़रा गौर से समझें। प्रोसेस ये है कि आपने सर्च में जाना है और आपने कोई सा भी एक टॉपिक सर्च कर लेना है, अपने पसंद का लॉ टॉपिक जो है ना वो कर लेना है। जैसे लेट से लोगो डिज़ाइनिंग देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया लोगो डिज़ाइन, ठीक है, इसको मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैंने लोगो डिज़ाइन सर्च किया, आपके सामने जो है ना कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो लोगों ने पूछे हुए हैं। अब वो यहाँ पे ये देखें, लोग डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हाउ डू आई फाइंड अ गुड लोगो डिज़ाइनर। वो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हु आर द बेस्ट लोगो डिज़ाइनर्स। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डू आई गेट लोगो डिज़ाइन। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर सम क्लेवर लोगो डिजाइन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप इनको आंसर करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन वो कैसे कमाना है उसके लिए भी एक डेफिनेटली एक प्रॉपर मेथड है, वही आपको बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, आप जरा चले जाओगे क्या नाम है इसका क्वेश्चन, आप देखो आपको क्या चाहिए। आप डेफिनेटली क्वेश्चन के हिसाब से आपको चाहिए बेस्ट लोगो डिजाइनर चाहिए, ठीक है। आप चले जाओ फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर के ऊपर आने के बाद अब आप कहोगे कि यहाँ पे शायद हमें कहीं गिग बनानी पड़ेगी, शायद हमें सेल करना पड़ेगा। तो मेरा भाई ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, आपको कोई भी किसी को भी कोई भी चीज़ सेल नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वहाँ से आप पैसा कमाओगे। अब वो आप अभी तक कह रहे हो मैं क्यूरियस ही हूँ, आपको रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, फाइवर पे आके आपने सर्च कर लेना है लोगो डिज़ाइन, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पे ये देखो कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो कि आपको सर्विसेज दे रहे हैं लोगो डिज़ाइन करने की। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे भी हैं जिनको फाइवर चॉइस भी मिला हुआ है, या जो प्रो कैटेगरी प्रो वेरीफाइड हैं। प्रो वेरीफाइड तो डेफिनेटली बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जिनको फाइवर चॉइस है, फाइवर चॉइस की बैजेस वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पे लोग आपको मिल जाएंगे जो लोगो डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने, 2,27,992 लोग हैं जो कि लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जो है जो आपको अच्छे लग रहे हैं और जिनका रिव्यू रेट भी अच्छा है, आप क्या करो उन्हें ओपन कर लो। जैसे लेट से मैंने यहाँ पे पहले को ओपन कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे इस बंदे को, इसने भी 1,000 से ज़्यादा किए हुए डिज़ाइन, इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद आप क्या करो एक और बंदे को ओपन कर लो, मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तीन तकरीबन मैंने ओपन कर लिए। तो चलो ऐसा करते हैं कि एक और बंदा भी ओपन कर लेते हैं। जैसे अब ये बंदा है, क्या नाम है, किधर गया,
ये जो है इसने भी 1,000 से ज़्यादा किए हुए हैं, और इसका भी जो है वो जो इसका रिस्पॉन्स रेशियो है वो अच्छी है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तकरीबन 4 तरह के लोगों को जो है ना वो उनकी गिग्स को खोल लिया, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने वहाँ पे देना है उनके क्वेश्चन का आंसर। जैसे अपना क्या नाम है, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है कि हु आर द बेस्ट लोगो डिज़ाइनर्स। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, खैर यहाँ पे था ये क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पर इसका जो है वो आंसर आप दे सकते हो। यहाँ पर ये देखें, कमेंट आप कर सकते हो। कमेंट जैसे ही आप कमेंट के ऑप्शन में आओगे, यहाँ पर आप जो है वो अपना कमेंट कर सकते हो। और अब कमेंट क्या करना है यहाँ पे, मैं आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन्हीं उन्हीं लोगों की सर्विसेज यानी कि गिग्स पे जाना जो आपने ओपन की हैं। अब आपने क्या करना है, इसके लिंक को कॉपी करना है। यहाँ से लिंक को कॉपी किया और आपने चले जाना है फाइवर एफिलिएट्स के अंदर। फाइवर का एफिलिएट्स क्या है, फाइवर का एफिलिएट्स बेसिकली आपको एक एफिलिएट अर्निंग प्रोवाइड करता है, और ये हर एक बड़ी कंपनी का एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, जहां पर बेसिकली आपको एक 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 और तरह का जो है आपको अर्निंग जो है ना प्लेटफॉर्म दिया जा रहा होता है, जहां से आप घर बैठे पैसिव इनकम कर सकते हो। आपने जिस काम एक दफ़ा करना होता है वो अर्निंग कैसे होती है, मैं आपको पहले ये समझा दूं अर्निंग होती कैसे कैसे इस पर, फिर मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे फाइवर एफिलिएट्स पे आऊँ, यहाँ पे मैं वो वाला लिंक जो मैंने अभी कॉपी किया था फाइवर गिग का, जो जो किसी एक आदमी की थी जो कि लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड थी, मुझे फाइवर एफिलिएट क्या करेगा, मुझे एक लिंक बना के दे देगा, एक नया लिंक बना के दे देगा। वो मैं लिंक कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करूंगा आंसर के अंदर, और वहाँ से जो अगर कोई वो बंदा वो उस लिंक पे कॉपी करके अगर उस बंदे को हायर करता है लोगो डिज़ाइन करने के लिए, तो मुझे उसका एक, और वो जो बंदा जिस बंदे को वो हायर कर रहा है उसके वो जो भी पैसे चार्ज करेगा, फाइवर उसमें से 10% काट के मुझे दे देगा, मेरे इस एफिलिएट अकाउंट के अंदर मुझे जो है वो अर्निंग दे देगा CTR की। तो ये काम होता है बेसिकली। अब वो करना कैसे, आपने लिंक कॉपी किया हुआ है, आप मार्केटिंग टूल्स के अंदर आ जाओगे। मार्केटिंग टूल्स के अंदर डिफॉल्ट, ये तीसरा ऑप्शन है, मार्केटिंग एंड टूल्स दूसरा ऑप्शन, उसके अंदर तीसरा ऑप्शन है डिफॉल्ट एंड डीप लिंक्स, आप इसमें आ जाओगे। और यहाँ पर आपने आके क्या करना है, LP URL यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है, और आपने जो URL कॉपी किया हुआ था यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है साइट पे, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे इसको क्रॉस करके यहाँ पे आपने आना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, आपने पेस्ट करना है लिंक, और साइट पे जाके ऐसे ही आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सब ये फाइवर CPA, फाइवर हाइब्रिड, फाइवर लर्न, यहाँ पे जो है ना वो लिंक बन के आ गया है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इस बटन पे करके आपने लिंक को कॉपी कर लेना है, और आपने क्या करना है दोबारा उसी क्वेश्चन पे जाना है, और आपने इसका आंसर करना है कि अब उसने क्या क्वेश्चन किया हुआ है कि हु आर द बेस्ट लोगो डिजाइनर्स। तो मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ कि आई हैव गॉट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगो डिजाइनर्स फॉर यू, दीज लोगो डिजाइनर्स हैव ग्रेट रेपो एज वेल एज हैव ग्रेट आउटस्टैंडिंग क्लाइंट रेटिंग, सो यू कैन चूज देम टू मेक योर डिजायर्ड लोगो। आपने ये करके क्या करना है, नीचे आना है, ऐसे स्पेस इंटर करना है, और वन लिख के यहाँ पे करना है कि आप इसे और भी ज़रा खूबसूरत कर सकते हो और स्पेस देके। और आपने यहाँ पे क्या किया, वो वाला लिंक जो कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट, ठीक है, अभी फाइवर वाला जो उठाया था। अब आपने क्या करना है, एक दूसरा यानी कि आपने आना है और यहाँ पे आके आपने फिर वो कर दिया, यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा। अच्छा जी, ये दूसरा आ गया। अब आपने क्या करना है, इस बंदे का हमने लिंक कॉपी कर लिया, अब हमने दूसरे बंदे पे आना है और उसका लिंक यहाँ पे कॉपी किया हमने, यहाँ पे गए LP URL में आए, इसको क्रॉस किया, नया लिंक पेस्ट किया, साइड पे क्लिक किया और हमने इसको कॉपी कर लिया,
और यहाँ पे हम गए आंसर में और दूसरा जो है वो हमने लिंक पेस्ट कर दिया। इसी तरह आप जो है वो तीसरा ओपन कर लो यहाँ से फाइव, वो यहाँ से आपने कॉपी किया, यहाँ पे गए एलपी यूआरएल में गए, इसके क्रॉस किया, यहाँ पे नया लिंक पेस्ट किया, यहाँ पे ये इसने लिंक बना के दे दिया, हमने इसे कॉपी किया और तीसरे में गए और पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह चौथा जो है आपने खोला हुआ था उसके आप लिंक पे गए, आपने उसे कॉपी किया, यहाँ पे एलपी यूआरएल में इसे आपने यहाँ पे पेस्ट किया और इसने आपको लिंक बना के दे दिया, आपने इसे कॉपी किया और चौथा जो है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप हर एक का जो इमेज है या पोर्टफोलियो है उसकी आप इमेज भी डाउनलोड करके लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये पहली ये थी अपना वेब इमेज है, ये भी आई थिंक सो वेब इमेज होगी, ठीक है, ये वेब इमेज ही है। तो आप यहाँ पे चाहो तो इनका जो है वो इनकी जो है ना इमेज को आप लगा सकते हो। जैसे लेट से कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनकी जो है ना इमेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनका वो लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे सेव करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे क्या करता हूँ एसएस करके सेव कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन में जाता हूँ, ये था पहली वाली का यानी कि ना आंसर का, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ पे वो वाली इमेज यानी कि अगर आप वहाँ पे लगाना चाहो तो आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो। मेरा कहने का मकसद ये था ताकि पता लग सके कि किस बंदे का क्या वर्क है। तो इस तरह करके आप आंसर करके अब यहाँ पर ये देखो कि ये जनरल क्वेश्चन है जो कि पब्लिक पूछ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि कोई भी बंदा पूरी दुनिया में से, ये नहीं कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से, पूरी दुनिया में से कोई भी बंदा इन चारों में से किसी भी एक लिंक पे क्लिक करता है और किसी भी सेलर को हायर करता है तो उस सेलर का, वो सेलर जो उस बंदे को काम करके देगा, उस सेलर की इनकम में से जो भी वो कमीशन कमाएगा उसमें से ऑटोमेटिकली 10% जो है वो मुझे